पोलिंग का डे है। मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है अपने पैतृक गांव मिर्जापुर में पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने अपनी पत्नी और पूरे परिवार सहित जो है मतदान किया है। और अगर बात करें तो 10 साल की भाजपा में सरकार रही है, और अब सर किस तरीके से देखते हैं इस बार मतदान के मुख्य मुद्दे क्या थे? देखिए, मुद्दे हमने जो विकास के काम किए हैं हमने उसको लेकर के चर्चा की है। हमने लोगों को इस बात को भी आश्वस्त किया है कि यही भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल वाली सरकार है जो ये गारंटी दे सकती है कि हम हरियाणा का चहुमुखी विकास करेंगे, और हम कर रहे हैं। अब देख भी रहे लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, चाहे गांव है, चाहे वार्ड है और चाहे शहर है, हर क्षेत्र का विकास हमने गति से किया है। आगे भी हम तीव्र गति से हरियाणा का विकास आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के करेंगे। इसने बेरोजगारी, किसानों का, पहलवानों का और जवानों का मुद्दा बहुत उठाया, आपको लगता है ये जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं है और मतदान पर असर हो? देखिए, कांग्रेस के गुब्बारे में झूठ का सामान है। पहले तो लोकसभा में फूट गया, अब विधानसभा में फूट जाएगा, कुछ नहीं है उनके पल्ला। सर, एक कांग्रेस अपने आप को 50 से 55 सीटें तक कह रही है, आपको लगता है समीकरण इस तरीके से है? और जिस तरीके से हमने देखा कि कुमारी शैलजा और अब अशोक तंवर भी पार्टी में है, तो इससे कुछ बिगड़ेगा? मैंने क्या कहा है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, उसके गुब्बारे के अंदर झूठ का सामान है, कुछ नहीं है। और 8 तारीख को फूट रहा, आज ही फोड़ देंगे लोग, आज वोट कर रहे हैं, 8 तारीख को तो उसकी हवा बाहर निकल जाएगी, आज ही फोड़ देंगे, आप देखें। फिर ने आज संविधान की किताब कल फिर से उठा ली। देखिए, कांग्रेस झूठ की राजनीति कर रही है, और अब इसकी ऐसी स्थिति होगी इसको कोई विपक्ष में भी लाइक नहीं करेगा, ये ऐसी स्थिति कांग्रेस की होगी। सर, तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलती आई है और झूठ के तहत ही राजनीति करती आई है। फिलहाल देखना ये रहेगा कि आज कितनी वोट परसेंटेज जो है वो हरियाणा में दर्ज की जाती है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।